हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फालसे से बनने वाले इस लाजवाब शरबत की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होता है और फालसे सिर्फ इसी सीज़न में मिलते हैं और इनसे बना हुआ शरबत पेट और दिमाग दोनों को ठंडक देता है। तो आप इस सीज़न में ये शरबत ज़रूर ट्राई करना और आपको कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने करीब 100 ग्राम फालसे लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है, तो इन्हें मैं मिक्सर जार में डाल देती हूँ। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। 5 टीस्पून मैंने चीनी डाली है इसमें, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्सर में ब्लेंड कर लूँगी। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, तो मैं इसको छान लेती हूँ ताकि इसके जो भी बीज हैं वो निकल जाएँ। और मिक्सर को धोकर मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देती हूँ। अब इसे छान लेते हैं। इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये पीने में बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी होता है। और अगर गर्मियों में इसको पीते हैं हम, फालसे जो है बहुत कम टाइम के लिए आता है, इसी मौसम में बनता है इसका जूस जो है, इसका शरबत इसी टाइम बनता है। इसको थोड़ा सा दबाते हुए इसका सारा जो रस है वो हम निकाल लेंगे। इसे मैंने छान कर तैयार कर लिया, मैं इसे ग्लासेस में डाल देती हूँ। और इसमें मिलाऊंगी मैं पानी। और आइस क्यूब्स। ठंडा ठंडा फालसे का जो शरबत है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।